नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, जिस टॉपिक के बारे में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो है भाग्य भाव। जैसे कि आप लोगों का मेरे पास कमेंट्स आया, आप जानना चाहते हैं कि कब हमारा भाग्य उदय होगा, कौन सा ग्रह हमारा भाग्य चमकाने वाला होगा, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। दोस्तों, अगर कुंडली के अंदर सारे भाव खराब है पर आपका भाग्य भाव का स्वामी अगर अच्छी कंडीशन में है तो आपको उसके दशांतर दशा के अंदर आपको रिजल्ट अच्छे ही आएंगे, चाहे आपके बाकी ग्रह खराब भी हो, क्योंकि भाग्य भाग्येश जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसकी दशांतर दशा के अंदर आपको भाग्य चमकेगा चमकेगा, जिस चीज में भी आप डालोगे आपका काम बनेगा। बट आपको कंडीशन देखनी है कि वो अस्त ना हो, वो त्रिक भाव में ना हो। तो क्या ऐसे आप उपाय करोगे जिससे कि आपको भाग्य आपका चमकेगा, भाग्य की हानि नहीं होगी, तो इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो बहुत सरल तरीका है ये, कोई भी आदमी इसको समझ सकता है। इसमें आप लगन को ना देखें, लगन कोई सी भी हो, एक एग्जाम्पल की तरह से समझा रहा हूं आपको। तो कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो लगन कोई सी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको देखना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो जो 9वां भाव है इसमें कौन सी राशि पड़ी हुई है। तो देखिए, 9वें भाव भाग्य भाव माना जाता है, इसमें जो राशि पड़ी होती है उसके स्वामी भाग्य चमकाने वाला होता है। तो जैसे यहां पे 9 पड़ा है तो आप समझ लीजिए 9 का मतलब 12 राशि होती हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो आप देखिए 9, तो आप 9 देखेंगे तो 9 का मतलब धनु। आपके जो आप यहां पे जो राशि पड़ी है 9वें भाव के अंदर वो धनु है, और धनु के जो स्वामी होते हैं वो गुरुदेव है। तो आपके जो भाग्य चमकाने वाले बने वो गुरुदेव बने, यानी भाग्येश जो होंगे वो गुरुदेव होंगे, गुरु की दशांतर दशा के अंदर आपका भाग्य चमकेगा। अब ये देख लीजिए कि कौन सा ग्रह कब भाग्योदय करता है। तो सूर्य देव 25 साल के बाद भाग्योदय करते हैं, चंद्रदेव 24 साल के बाद करते हैं, बुध देव 32 के बाद करते हैं, शुक्रदेव 24 के बाद करते हैं, मंगलदेव 28 साल के बाद करते हैं, गुरुदेव 22 साल बाद आपका भाग्योदय करेंगे, और शनिदेव 36 के बाद। तो आपके भाग्य गुरुदेव बने तो 22 साल के बाद आपका भाग्य उदय होगा। आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, कौन से ग्रह कब भाग्य उदय करते हैं और किस राशि के कौन से स्वामी है। तो अगर मान लो सपोज गुरु यहां पे 4 लिखा है तो यहां पे 4 होगा, 5, 6, अगर 4 का मतलब कर्क लग्न की कुंडली होगी, यहां पे 4 होगा तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहां पे 12 लिखा होगा। सिर्फ आपको देखना है कि 9वें भाव के अंदर कौन सी राशि है। तो 12 के स्वामी भी गुरुदेव हुए हैं, तो गुरुदेव जो है 22 साल बाद भाग्योदय करेगा। इसी प्रकार अगर सपोज करो कोई यहां पे तुला राशि है, यहां पे 7 लिखा है, 7 के स्वामी हुए शुक्रदेव, तो शुक्रदेव आपका 24 साल भाग्योदय करेंगे। पर कहीं आपको लगता है कि आपके 24 साल निकल गए पर आपका भाग्योदय नहीं हुआ, तो ये हो सकता है कि आपके जो भाग्येश हों वो पीड़ित हों, वो 6, 8, 12 में बैठे हों। अगर 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह बैठ जाता है या वो नीच राशि में हो गए तो फिर क्या होगा, वो आपको रिजल्ट नहीं देंगे, वो भाग्य की हानि करने वाले होंगे। तो इस कंडीशन में क्या करें, आप उपाय करने चाहिए आपको। तो उपाय क्या कर सकते हैं, आप उनका रतन धारण कर सकते हैं या फिर आप बीज मंत्र पढ़ सकते हैं। बट आपका ग्रह यानी गुरुदेव अगर 6, 8, 12 में अगर हुए, इसी कुंडली का एग्जाम्पल ले रहा हूं, अगर सपोज करो 9 लिखा है तो भाग्येश गुरुदेव हुए, गुरुदेव अगर 6, 8, 12 में बैठे हैं तो फिर आप रतन धारण ना करें, और अगर अपने नीच राशि में है फिर भी रतन धारण ना करें। तो नीच होते हैं मकर राशि के अंदर, इसके बाद अगर वो कहीं पे भी बैठे हों आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिले तो आप रतन पहन सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि उनमें बल ना हो, वो आपका जो भाग्य ऐसे वो 0 से 2 बालावस्था या 29 से 30 मर्तावस्था में पड़े हो, तो ऐसी कंडीशन में ग्रह बल नहीं देता, बल देने के लिए आप रतन धारण कर सकते हैं। पर अगर त्रिक भाव में है तो फिर आप त्रिक भाव के में अगर है तो फिर अपने भाग्येश को बल देने के लिए आप बीज मंत्र करिए गुरुदेव का, मतलब जो भी आपके भाग्येश हो उस ग्रह को रिलेटेड आप बीज उसका बीज मंत्र करिए, फिर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, मैंने भाग्य बारे के बारे में बताया आपको, भाग्येश के बारे में बताया, बहुत सरल तरीके से आपने समझ भी लिया होगा। तो आपको मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करना, अगर अब भी आप में कोई कंफ्यूजन है भाग्य भाव को लेकर या भाग्येश को लेकर तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको और आसानी से समझा दूंगा। बस आपको ये ध्यान रखना है बेसिक चीज, मेज ये 12 स्वामी और इनके 12 राशि होते हैं और इनके स्वामी कौन से होते हैं, तो जो भी यहां पे राशि हुई जो भी उनके स्वामी होंगे वो आपके भाग्य से बनेंगे, बहुत सिंपल तरीका है इसका। अगर वो पीड़ित है
तो आप उनके उपाय कर लीजिए, फिर आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो धन्यवाद मित्रों।